स्टार्टिंग सीन में वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा काटो स्पेशल चेस एग्जीबिशन में सुपर ब्लू नामक कंप्यूटर के खिलाफ चेस का मैच खेल रहे हैं। अकीरा का दिमाग एक सेकंड में केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, जबकि सुपर ब्लू प्रति सेकंड 200 मिलियन चालों की गणना कर सकता है। अकीरा के जीतने की संभावना कम लग रही है, लेकिन अगर वह हार जाता है तो वह कंप्यूटर से हारने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी होगा। जैसा कि खेल जारी है, वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। अंत में उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने राजा को गिरा दिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली चेस प्लेयर, जिसने एक भी मैच नहीं हारा, सिर्फ एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपना सिर नीचे करके बैठता है। जो अभी हुआ उसे उस पर विश्वास नहीं है। दर्शकों के हंसने पर होस्ट उसका मजाक उड़ाते हैं और पत्रकार एक अपमानित पुराने ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियन की तस्वीरें क्लिक करते हैं। अकीरा ने गुस्से में चेस बोर्ड पर मारकर आधा तोड़ दिया। घटना को 3 साल बीत चुके हैं। पिछले मैच के बाद अकीरा ने शतरंज खेलना छोड़ दिया और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। अगले सीन में हमें कई बेघर लोगों को एक ठंडी सुबह में सड़क के किनारे बैठे हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक अकीरा है, जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा दिया है और अब गलियों में रह रहा है। उसके पास एक फैंसी कार रुकती है और काले सूट में 2 आदमी उसमें से निकलते हैं। वे जबरदस्ती अकीरा को उठाकर ले जाते हैं। उसे एक हवेली में ले जाया जाता है, जहां उसका स्वागत एक अमीर बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वह आदमी बताता है कि वह जानता है कि अकीरा कौन है, जो हैरान है क्योंकि उसने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल दी है। जब अकीरा पूछता है कि वह कौन है, तो आदमी कहता है कि यह जरूरी नहीं है, वह बस अकीरा के साथ शतरंज का खेल खेलना चाहता है। वह मेज पर एक चेस बोर्ड दिखाता है, जिससे अकीरा को लगभग उल्टी हो जाती है। वह खुद को संभालता है और बहाना बनाता है, लेकिन सच तो यह है कि चेस का ख्याल ही उसे बीमार कर देता है। वह चेस बोर्ड से दूर हो जाता है, उसे देखने में सक्षम नहीं होता। बूढ़े आदमी का कहना है कि अकीरा के आखिरी मैच में उसने सट्टे में काफी पैसे गवाए थे। चूंकि अकीरा के पास एक पैसा भी नहीं है, वह आदमी चाहता है कि वह नुकसान की भरपाई के लिए एक खेल खेले। अकीरा आदमी के असली इरादे के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वह इतना जानता है कि वह उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह उस व्यक्ति से स्पष्ट रूप से कहता है कि वह अब शतरंज नहीं खेलता है। इसके अलावा वह करोड़पति का खेल नहीं बनना चाहता। आदमी राजा को अकीरा की तरफ उठाता है और कहता है कि वह बिना खेले ही हार गया। यह अकीरा को उसकी आखिरी हार की याद दिलाता है, जिससे वह आग बबूला हो जाता है। वह आदमी को रोकता है और इसके बजाय उसे अपना मोहरा चलाने के लिए कहता है। वह संतुष्ट है कि उसने आखिरकार अकीरा को मना लिया। बूढ़ा अपनी चाल चलता है, लेकिन अकीरा चेस बोर्ड की ओर मुड़ने या टुकड़ों को छूने से मना कर देता है। बिना देखे वह आदमी को अपने सभी टुकड़ों को रखने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि वह वैसे भी खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ईयरपीस पहने हुए है और खेलते हुए किसी से बात कर रहा है। अकीरा खिड़की पर जाता है, जहां वह आदमियों के एक ग्रुप को सफेद और काले कपड़े पहने और एक दूसरे का सामना करते हुए देखता है। वे जिस पैटर्न में खड़े हैं, वह ठीक वैसा ही है जैसा अभी चेस बोर्ड पर है। जैसा कि बूढ़ा खेल में अपने एक प्यादे को मारता है, जो आदमी प्यादे के स्थान पर था, उसे चाकू मारकर मार दिया जाता है। अकीरा ने अभी अभी जो देखा उससे सदमे से जम जाता है। वह आदमी से पूछता है कि क्या ये किसी तरह का मजाक है। वह आदमी कहता है कि प्यादे असली सैनिक है, इसलिए उसे किसी की मृत्यु पर दुखी नहीं होना चाहिए। अकीरा मरे हुए व्यक्ति की जांच करने के लिए नीचे की ओर दौड़ता है और उसे जमीन पर पाता है, जबकि अन्य खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। वह आदमी के शरीर से चाकू निकालता है और देखता है कि वह अभी भी जीवित है। मृत्यु के कगार पर भी आदमी मुस्कुराता है और अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। आदमी के अंतिम सांस लेने के बाद उसके आसपास के खिलाड़ी चले जाते हैं, अकीरा को चाकू और एक शव के साथ सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। एक महिला उसे ऐसी स्थिति में देखती है और मान लेती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला। अकीरा ये कहते हुए पीछे हट जाता है कि उसने यह नहीं किया था। अगले सीन में वह अपने पुराने डॉक्टर सेइची तोमोडा के ऑफिस में है। इतने सालों बाद उसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। वह और अकीरा की पत्नी कुमी काटो पिछले 3 सालों से अकीरा की तलाश कर रहे थे। 3 साल पहले के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सुपर ब्लू के साथ गेम हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे शतरंज के मोहरों के बुरे सपने आते थे, जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। बुरे सपने वहम में बदल गए, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। उसने हमेशा अपने जीवन की तुलना शतरंज के खेल से की थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी। इसलिए जब वह मैच हार गया, तो उसने अपनी रानी को यह मानते हुए छोड़ दिया कि वह अब उसके लायक नहीं है। अकीरा डॉक्टर को इस घटना के बारे में पहले बताता है और कहता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर मानता है कि उसने उस आदमी को मारे जाने का सपना देखा था, लेकिन अकीरा ने जोर देकर कहा कि उसने जो देखा वह सच में हुआ था। डॉक्टर उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी कमजोर है। उसके बाद डॉक्टर के केबिन में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है। पेपर कहता है उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा को पता चलता है कि शतरंज का मैच जो उसने सुबह शुरू किया था वह अभी भी चल रहा है। वह चिल्लाता है कि वह चाहता है कि उसका प्यादा A3 पोजीशन में चला जाए। फिर डॉक्टर एक किताब खोलता है और देखता है कि उसके पन्ने चेस बोर्ड में बदल गए हैं।
प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि अगली चाल में बूढ़े आदमी की रानी अकीरा के नाइट को मार देती है। नाइट डॉक्टर टोमोडा ही होता है। वह खून की उल्टी करता है और तुरंत मर जाता है। अकीरा चौंक जाता है जब वह दीवार पर घोड़े पर सवार डॉक्टर की तस्वीर देखता है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर उसका नाइट था। जिस कप से वह पहले पी रहा था उसमें चेसबोर्ड का डिजाइन भी है, इसलिए अकीरा ने माना कि कॉफी में जहर था। एक नज उन्हें दरवाजे से देखती है लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती। उसके मरने के बाद ही वह चलती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा बाहर भागता है डर से कांपता हुआ जब वह चेसबोर्ड के करंट सिचुएशन के साथ एक छोटे बच्चे के हाथ में ड्राइंग देखता है। ये साफ है वह भी खेल में शामिल है। जब वह अकीरा से वही सवाल पूछता है तो अकीरा जवाब देता है कि वह राजा को 8-2 पोजीशन में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बताता है कि राजा मर जाएगा, जिससे अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाता है। उसे ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं जो खेल के कारण मर गए हैं, और उसे मारने की कोशिश कर रहे चेस के मोहरों को देखकर कल्पना करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह भागता है वह एक पार्किंग लॉट पर पहुंचता है जहां चेस बोर्ड की तरह में कारों को पार्क किया गया है। इस बात से अनजान वह उस कार में बैठ जाता है जिसे ऊंट माना जाता है और उसे शुरू करने की कोशिश करता है। चेस बोर्ड की तरह ही कार तिरछे चलती है। वह उस कार को छोड़ देता है और हाथी वाली कार में बैठ जाता है। कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि अब ओपोनेंट के खेलने की बारी है। दूसरी तरफ से आया हाथी उसकी कार से टकरा जाता है जिससे उसका हाथी मर जाता है। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर में केवल ये देखने के लिए जाता है कि यह सेल पर है। हाथी जिसे महल के रूप में भी जाना जाता है असल जीवन में उसका घर था। अब जब अकीरा को असल जीवन के चेस का ज्ञान हो गया है तो उसे पता चलता है कि रानी उसकी पत्नी कुमी है और उसका जीवन भी खतरे में है। वह बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है और कहता है कि वह खेल खेलना छोड़ना चाहता है और अपनी पत्नी के लिए पूछता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अकीरा से अपनी हार स्वीकार करने और खेल को समाप्त करने के लिए अपने राजा को हटाने के लिए कहता है। ये फिर से अकीरा को उस समय की याद दिलाता है जब वह सुपर ब्लू के साथ मैच हारने के बाद अपमानित हुआ था, लेकिन वह खेल खेलना जारी रखता है और बूढ़े आदमी से अपने राजा को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। खेल लंबे समय तक चलता है और उनके ज्यादातर टुकड़े बाहर हो जाते हैं। अंत में अकीरा खेल जीतने से केवल 2 कदम दूर है और बूढ़ा अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बारी खेल पाता, सूट पहने 2 आदमी जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। अगले सीन में बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है जिसके बीच में असली इंसानों वाला चेस बोर्ड है। चेस के मोहरे वे लोग होते हैं जो एक गलत चाल से मर जाएंगे। बूढ़ा कहता है कि उनकी सिचुएशन अरब के एक राजा के समान है जो अपने कैदियों के साथ चेस खेलता था, उन्हें मौके पर ही मार देता था। वह कहता है कि चेस भावनाओं के बिना एक खेल है क्योंकि खिलाड़ियों को जीतने के लिए कभी कभी अपने खुद के टुकड़ों का त्याग करना पड़ता है। अकीरा को गेम जीतने के लिए एक नाइट को चेकमेट की ओर ले जाना होगा, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो बूढ़ा उसकी रानी को मार डालेगा। अकीरा ये देखने के लिए घूमता है कि रानी उसकी पत्नी कुमी है जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह अपना सिर हिलाती है, अकीरा से उसे बचाने के लिए कहती है। अब अकीरा या तो खेल जीत सकता है या अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वह आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के करीब गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि हिलने से वह मारा जाएगा। बूढ़ा उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वह रानी की बलि देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार करना चाहता है। वह ये भी कहता है कि एक असली चैंपियन लॉजिकली से सोचेगा और खेल जीतने के लिए जो आवश्यक होगा वह करेगा, लेकिन अकीरा उन्हें बेझिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसके लिए मैच जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी पत्नी है। उसके इस फैसले से हर कोई हैरान है। वह उसके सामने जाता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैलाता है। सामने वाला नाइट चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ता है और उस पर वार कर देता है। आखिर में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। उसकी मृत्यु के बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कुमी के हाथ खुलते हैं। वह अपने पति के शरीर को देखकर मुस्कुराती है जो अभी हुआ उससे बहुत खुश है। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पहले मरने वाला व्यक्ति डॉक्टर टोमोडा नज और खेल के दौरान अकीरा से मिले बाकी सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हुए अखाड़े में आते हैं। फिर अकीरा फर्श से उठ जाता है, उलझन में है कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। पता चला कि जिस चाकू से उसे मारा गया वह नकली था। तब ये पता चलता है कि यह खेल अकीरा को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने और उसे फिर से शतरंज खेलने के लिए एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, इसलिए उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए कुमी और बूढ़े आदमी के साथ डॉक्टर ने पूरे खेल को शॉक थेरेपी के रूप में प्लान किया। वास्तव में बूढ़े आदमी ने ही सुपर ब्लू का आविष्कार किया है। वह खुश नहीं था कि उसकी रचना ने अकीरा जैसे महान चेस खिलाड़ी को खेलना बंद करा दिया, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने खेल का आयोजन किया। इस पूरे समय अकीरा सुपर ब्लू के साथ खेल रहा था जो अपने ईयरपीस के जरिए बूढ़े आदमी को जवाब दे रहा था। आदमी बताता है कि कंप्यूटर अकीरा के आत्मा बलिदानी कदम को समझ नहीं सका जिसके कारण ये खराब हो गया है, मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ गेम जीत लिया है। फिल्म अकीरा और उसकी पत्नी के गले मिलते ही समाप्त हो जाती है।